ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि समय रहते आप ब्रेन ट्यूमर का उपचार कैसे कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर में अधिकतर तेज दर्द की शिकायत रहती है। अभी जो मस्तिष्क है हमारा, मस्तिष्क हमारे शरीर का वो महत्वपूर्ण और नाजुक हिस्सा है जिसका संबंध शरीर से है। अगर मस्तिष्क के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ हो, उसका प्रभाव शरीर के दूसरे अंगों की गतिविधियों पर ही पड़ता है। सिर में किसी भी तरह की तकलीफ या मस्तिष्क से जुड़ी किसी समस्या का आभास होने पर तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। बीमारी सही समय पर पकड़ में आ जाए तभी निदान आसान हो सकता है। अभी मस्तिष्क में दो तरह प्रकार के ट्यूमर होते हैं। पहला है बिनाइल ट्यूमर जो धीरे धीरे बढ़ता है, और दूसरा है मिलिगेंट ट्यूमर जो कैंसर युक्त होता है। पहले तरह के ट्यूमर कुछ दवाओं से नियंत्रित हो जाते हैं, और जो दवाओं से ठीक नहीं हो पाते हैं उन्हें ओपन सर्जरी और गामा नाइट सर्जरी से ठीक करने की कोशिश की जाती है, परंतु कैंसर युक्त ट्यूमर पूर्णतया ठीक होते हैं। ट्यूमर दिमाग में किस जगह पर है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है। अभी तक ब्रेन ट्यूमर के कारणों का सही से पता नहीं चल पाया है, लेकिन अगर कभी कभी मिर्गी के दौरान के समान दौड़ा पड़ता हो या बेहोशी आती हो, सिर में असहनीय दर्द होता हो, हाथ पैरों में ऐंठन होता हो, ज्यादा कमजोरी का एहसास होता हो, सुबह के समय सिर में अक्सर दर्द होता हो, दृष्टि का अचानक कम होना या कलर ब्लाइंडनेस आदि की शिकायत हो, तो हल्के में नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे संवेदनशील भाग है। ट्यूमर उसमें कहां है, किस नस को छू रहा है और किस हिस्से पर उसका कितना प्रभाव है, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी पर आधारित होकर मरीज का इलाज किया जाता है, और सबको एक जैसा उपचार नहीं दिया जाता है। रोग की जटिलता पर निर्भर करता है कि उपचार कैसा देना है। कभी कभी कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जहां तुरंत सर्जरी कर बाद में गामा नाइट सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे आप इन चीजों का एहसास हो कि सर दर्द हो रहा हो, अंधेरा छा जा रहा हो, तो फटाफट सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए और उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट शुरू करके वो आपको जल्दी से ठीक करने की कोशिश करेगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।